ठीक। बस स्टैंड बिलासपुर में हमारे पिपरा में यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रमिक हैं और उनकी भोजन की व्यवस्था, साथ ही सूखा खाद्य की व्यवस्था, फल फूल की व्यवस्था, चप्पल की व्यवस्था और छाता की व्यवस्था, कुछ गमछा, ऐसा हमारे पिपरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र के द्वारा, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा, एनजीओ के द्वारा और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा लगातार यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, जारी है। प्रशासन भी व्यवस्था में भोजन के लगे हुए, उनको भोजन करा रहे हैं और कुल मिलाकर के जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी जो दयनीय स्थिति है, ये कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। ऐसे समय में जो समाज के लोग हैं, जितनी सेवा कर सकते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए और बराबर वो घर तक पहुंच जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, ये हम सब लोगों की चिंता है। एक जो तकलीफ आ रही है कि बस स्टैंड में ला करके छोड़ देते हैं, गाड़ी चली जाती है। वास्तविक में बाउंड्री तो प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर जो सीमा है वहाँ तक की उनकी छोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो बीच बीच में इनको रोक देंगे, बीच बीच में छोड़ देंगे तो इन लोग का समय का भी दिक्कत होगी और छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए मैं बात करूँगा प्रशासन से, अधिकारियों से, लेकिन उसके बाद भी ये व्यवस्था को दुरुस्त कराने की आवश्यकता है। आज बड़े संख्या में लोगों के यहाँ पर बाकी सेवा में लोग लगे हुए हैं जो उपलब्ध करा रहे हैं, तो मैं जो भी संस्था यहाँ पर लगे हुए हैं, मैं सभी को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, हमारे सभी उद्योगपतियों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ और इसी प्रकार से लगातार आने वाले समय में ये सेवा करते रहें।